नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं कुमार कश्यप। एक कप कॉफी 25 लाख, एक किलो आलू 20 लाख, एक किलो चावल 25 लाख, एक किलो टमाटर 50 लाख, यहां तक कि एक प्लेट नॉनवेज थाली 1 करोड़। आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि सच्चाई है। यह एक देश के खाने की चीजों के दाम है। हाल इस कदर बेहाल है कि लोग ना खुद खा पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं। महंगाई की मार झेलते इस देश का नाम वेनेजुएला है। महामहंगाई के दौर से गुजर रहे इस देश के लोगों का हाल यह है कि अगर वो बैग भरकर नोट भी ले जाएं, तो भी पेट भरकर खाना नहीं खा सकते। यहां के करोड़पति भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। वेनेजुएला की हालत इतनी खराब है कि लोग देश छोड़कर पड़ोसी देश कोलंबिया जाने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में वेनेजुएला के करीब 10 लाख लोग कोलंबिया जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक साल 2014 से 23 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं। यहां से लोग कोलंबिया से आगे पेरू और चिली भी जा रहे हैं। कई लोग ब्राजील भी जा चुके हैं। वेनेजुएला की करेंसी बोलिवियर की हालत बहुत ही खराब हो गई है। जैसे भारत में आज पुराने 500,000 के नोटों का हाल है, उसी तरह यहां के नोटों की वैल्यू भी कागज की तरह हो गई है। यहां पर 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए लाखों बोलिवियर देने पड़ते हैं। एक ब्रेड की कीमत हजारों बोलिवियर हो गई है। 1 किलो मीट के लिए 95 लाख बोलिवियर और 1 लीटर दूध के लिए 80,000 बोलिवियर तक देने पड़ते हैं। दरअसल वेनेजुएला में बड़ी संख्या में कच्चे तेल के भंडार हैं। वेनेजुएला की इकोनॉमी काफी हद तक तेल पर टिकी है। तेल से मिलने वाला रेवेन्यू उसके एक्सपोर्ट का 95% है। तेल के ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से वेनेजुएला को काफी प्रॉफिट होती थी, जिससे वह विदेशों से अपने लोगों के लिए जरूरी सामान खरीदता है। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब साल 2014 में तेल की कीमत गिरने के बाद से विदेशी करेंसी में भी कमी होने लगी। वर्ल्ड लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने के चलते वेनेजुएला की इकोनॉमी हिल गई है। यहां की सरकार ने जरूरत से ज्यादा करेंसी छपवा दिए हैं, जिसके चलते इसकी वैल्यू काफी कम हो गई है। सरकार की गलत पॉलिसीज के चलते यहां भुखमरी की हालत हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस राजधानी कारकस में लगातार देश के बड़े ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वे दुनिया भर के बड़े देशों से मदद मांग चुके हैं। सरकार बिगड़ी इकोनॉमी को सुधारने के लिए पॉलिसीज बना रही है, जैसे कि 1 सितंबर से मजदूरी 34 गुना बढ़ा दी जाएगी। वैट 4 से बढ़ाकर 16% कर दिया जाएगा। वेनेजुएला में सुबह से एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगती है, जबकि पैसे निकालने की सीमा 10 बोलिवियर ही है, जो देश में एक कॉफी खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।